हेलो फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो आइस बर्फी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए किट ओरियो, दूध, मलाई और चीनी। अगर आपको कोई और चॉकलेट फ्लेवर की बिस्किट पसंद है तो आप उसे ले सकते हैं। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम एक कप भर के दूध डाल लेंगे। हमने दो कप दूध लिया है, एक कप तो हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब एक कप भर कर हम इस दो बर्तन में डाल लेंगे। अब हम जो हमने फ्राई पैन में रखा हुआ है दूध, उसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 6 चम्मच चीनी लिया है। अगर आपने ज़्यादा मीठा खाना है तो आप इससे चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हम मिक्सर जार लेंगे, उसमें हमने जो ओरियो का एक पैकेट लिया है वो बिस्किट खोल के इसमें डाल देंगे। और हमने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर कोकोआ पाउडर डाला है। मिक्सर जार को बंद करके इसका एक फाइनली पेस्ट बना लेंगे। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम इस दूध के अंदर डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे। इसको हम बिस्कर से अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे इस बैटर में लम्स ना रहे। हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब इसे हम दूध में डालेंगे। दूध में डालने के लिए हमें इसे डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है, हम इसे छलनी से छानकर डालेंगे ताकि इसका जो मोटा पार्ट है वो छलनी के ऊपर रह जाए और इसका अच्छा वाला पार्ट दूध में चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मोटा पार्ट छनकर अलग हो चुका है, इसे हम इसमें नहीं डालेंगे। दो से 3 मिनट तक बैटर को अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। धीरे धीरे हमारा बैटर गाढ़ा हो रहा है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैटर है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, हमें इसी कंसिस्टेंसी को रखना है। बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर उसे अच्छे से चिल्ड करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है, हम सबसे पहले छलनी लेंगे, उसके अंदर हम मलाई डालकर इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है तो आप उसे इसके अंदर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर फ्रेश मलाई का यूज कर रहे हैं। इसे हम अच्छे से छलनी से छान कर इसका हम क्रीम निकाल लेंगे। फिर जो इसका मोटा पार्ट बचेगा, जब हम अपना घी निकालेंगे उसे इसके अंदर डालकर घी निकाल लेंगे। मलाई से हमारी सारी क्रीम निकल चुकी है, अब इसे हम मिक्सर जार में डालकर इसे अच्छे से मिक्सी कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी क्रीम बनकर तैयार है। अब इसे हम बैटर के अंदर मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्सर में घुमा लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेटी ओरियो बैटर बनकर तैयार है। इसे हम एक बॉक्स में निकाल लेंगे।
अब इसके ऊपर हम चोको चिप डालकर इसकी गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर हर्शी सिरप या कोई और चॉकलेट जो आपके बच्चे पसंद करते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बिना उसके भी ये अच्छी लगेगी। अब इसे हम फॉइल पेपर से पैक कर देंगे ताकि इसके अंदर बर्फ ना जमे। हमने आइसक्रीम को ओवरनाइट तक जमने के लिए रखा था। अब इसे खोलकर देखेंगे, ये परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम चाकू से अपने चारों किनारों को छुड़वा लेंगे और चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से चारों किनारे छोड़ रही है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल कर इसे अच्छे से ऊपर से प्रेस कर लेंगे ताकि ये आराम से निकल जाए। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम अच्छे से निकल गई है। अब इसे हम पीसेस में काट लेंगे। हमने अपनी आइस बर्फी को पीसेस में काट लिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली आइसक्रीम है। आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।